ठीक है। मेरे ऑफिस में एक और बंदा था, मेरे कंपनी में, वो था महाराष्ट्र का था, वो रत्नागिरी, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है रत्नागिरी, उस इलाके का था वो, तो वो भी मुस्लिम ही था, तो वो भी मेरी हेल्प किया कि मैं आपके वाइफ लोगों की हेल्प करूंगा यहाँ से निकालने में आप, और मेरे ड्राइवर ने भी कहा कि ठीक है, मैं इन लोगों को यहाँ 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 से निकालने में हेल्प करूंगा, तो आप यहाँ से निकलो। लेकिन उन लोगों ने ये कहा था, मेरे वाइफ लोगों ने, कि प्लीज, मुझे तो डाउट लग रहा है इस्लाम में अब, लेकिन यह है कि हम लोग मुस्लिम ही रहेंगे, हम लोग इस्लाम में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये चीज तो मैंने वहां पे कई लोगों से के मुंह से सुनी कि वो लोग ये मानते हैं कि इवोल्यूशन सही है, हम लोग एक 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 आदम और हव्वा की औलाद नहीं हो सकते, तो अगर एक भी मिस्टेक है तो फिर ऑल टू ऑल कुरान मिस्टेक है, फिर कंप्लीट कुरान ही मिस्टेक हो गई। तो ये जानने के बाद भी वो कहे कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो कि ये बात तो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई, वो क्या करेंगे। हाँ, वो छोड़ नहीं सकते वो चीज को। वो कहे कि वो ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन वो कहे कि ठीक है, वो उसने यही बात मुझसे बोली थी कि बिकॉज ऑफ दैट बाइबिल खत्म हो गई थी, मुसलमान लोगों को ये लगता है कि हजरत ईसा पता नहीं क्या क्या वो गॉड के बेटे हैं क्या, आई डोंट नो डिटेल, तो इसकी वजह से वो बाइबिल खराब हो गई। नहीं, वो कहा कि इसकी कहा कि लोग एक्स क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए, और इवन जो क्रिश्चियन थे भी वो बाइबल को फिर सीरियसली छोड़ दिए लेना। वो लोग कहते देखिए, वो लोग जाते हैं, वो सेंटा क्लॉज का वो ड्रामा करते हैं, वो उसको एज ए फेस्टिवल मनाते हैं, वो कहते हैं, जैसे वो पता है, मैं बता दूं व्यूवर्स को कि वो लोग भी ईद वगैरह मनाते थे एज ए फेस्टिवल, एज एंजॉय करने के लिए, छुट्टी के लिए मनाते थे वो लोग, वो सब मनाते थे, ईद सऊदी मनाते थे, वाले। बकरीद सब मनाते हाँ थे। हाँ एग्जैक्टली, जो जो भी मेरे वहां पे एक्स मुस्लिम थे जिनको मैं जानता था, वो सब कुछ करते थे वो लोग, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि किसी आसमानी किसी का ऑर्डर है, ये सब कुछ नहीं, एक एंजॉयमेंट के वो लिए। बस एग्जैक्टली एक इंजॉयमेंट के लिए करते थे वो लोग, कि भाई खाने पीने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, छुट्टी है, इस तरीके से करते थे। तो सेम थिंग वही जो कहा कि देखो 25 दिसंबर जो होता है, जो क्रिसमस होता है, वो क्रिश्चियन लोग इंजॉय करने के लिए करते हैं, वो कुछ नहीं, वो गॉड वॉड का वो कोई चक्कर नहीं है इतना। सीरियसली नहीं लेते हैं सब लोग, हर क्रिश्चियन उसको हाँ सीरियसली नहीं लेता हाँ तो कह रहा कि यहाँ के ऐसे बहुत से मुस्लिम मिलेंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे, उनको उनको मालूम चल है। चुका है, हाँ लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है ना कोई, वो क्या करेंगे अभी। छोड़ नहीं सकते तो हैं। बराबर। उसने उसने मुझे एक एग्जांपल और दिया, कहा कि आपको पता है कि यहाँ पे ट्यूनिशिया में, अल्जीरिया में, लीबिया में, इजिप्ट में और लेबनान में, जॉर्डन में, कहा कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं। और उसने कहा था कि आपको पता होगा आज से 5-6 साल पहले बहुत बड़ा वहां पर रिवोल्यूशन हुआ था, हर कंट्री में वहां पर रिवोल्यूशन हो रहा था, आपको भी शायद मालूम होगा ये बात, वहां पे सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में और इजिप्ट वगैरह में, हर जगह पे वहां पे जो वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो जो था रिवोल्यूशन ना, वो बता रहे कि वो सारे एक्स मुस्लिम ही थे उसमें, वो रिवोल्यूशन है मैक्सिमम, हाँ वो बता रहे कि वो सारे, लेकिन उसको इतना पावरफुली दबा दिया इन लोगों ने, इतनी पावर लगा दी उसमें, उसको दबाने में बिल्कुल मतलब फोर्स लगा दिया, आर्मी लगा दिया, सब कुछ, तब वो दबा हुआ। ले तो कह रहा कि बहुत है एक्स मुस्लिम वहां पे, इजिप्ट में भी, लेबनान में, ट्यूनिशिया में, अल्जीरिया में, हर जगह पे भरे पड़े हैं बिल्कुल। लेकिन वो पूरा मतलब वो जो शायद व्यूवर्स को भी ये मालूम होगा कि आज से 5-6 साल या 7 साल पहले कुछ अरब के हर मुल्कों में ये हो रहा था वहां पे, तो ये एक्स मुस्लिम ही की वो, उसमें मैक्सिमम लोग एक्स मुस्लिम ही थे उसमें, तो इवन टर्की में भी, वो कहा टर्की में भी बहुत एक्स मुस्लिम है, हाँ उसने कहा उन लोगों को ये पता चल चुकी है कि बात ये सब गढ़ी हुई बात है, लेकिन वो इसलिए मुस्लिम बने हुए हैं कि बिकॉज ऑफ एंजॉयमेंट, उनके पास कोई, अगर वो फिर से हल्ला करेंगे तो उनको ये लोग मार देंगे। डर के वजह से। हाँ, तो वो लोग, लेकिन अब वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, वो सब नहीं कि हम किसी से मुस्लिम से किसी नॉन मुस्लिम से शादी करेंगे, उसको इस्लाम में दावत देंगे तो मुझे जन्नत मिलेगी, ये सब अब वो भूल चुके हैं। बराबर। तो ये सब चीज था, तो ये सब मतलब बता रहा हूँ मैं तो, कि सब ये तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में वहां पे हैं यहाँ के लोग। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा, जब आज से करीब 1 महीने पहले मैंने आपका देखा कि मैं ये गालिब कमाल का मैं देख रहा था, मैं कहा कि अरे ये तो सारे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आज से 5 साल पहले मेरे अरबी लोगों ने पूछा था मुझसे, मतलब जो मेरे अरबी फ्रेंड करते थे, वो तो यही सारे क्वेश्चन, ये गालिब कमाल और ये क्या नाम है उनका, पता नहीं, दूसरा हारिस हारिस सुल्तान। सुल्तान, एग्जैक्टली हारिस सुल्तान, वो जब उनका मैं चैनल देख रहा था, तो मुझे आपका वहां पे नीचे जो है ना यूट्यूब में, मुझे आपका लिंक दिखा कि इंडियन एक्स मुस्लिम, क्या सजेशन इंडिया में में आ रहे हैं क्या,
हाँ मैं कहा इंडिया में भी आ गए क्या आप, मेरे मुल्क में भी आ गए अपनी अपनी। तो मैं वो फिर मैं देख देख के मैं हैरान हो गया। मैं कहा कि अरे ये तो बहुत बहुत नई बात है मेरे लिए कि यहाँ भी आ गए एक्स मुस्लिम। मैं तो पहले वहां ही सुना था, यहाँ तो मैंने किसी के मुंह से सुना है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई मैं कन्वर्टेड हूँ आज से 200-300 साल पहले, तो मैं ज्यादा इस्लाम को मैं मानता हूँ, थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पे, मतलब तो मैंने आपका देखा तो मैंने आपको फिर फॉलो किया, मैंने आपको मैंने उस पर अपना कमेंट वमेंट डाला कि यार ये लोग ऐसे ही मतलब घुमाएंगे आपको सही बात पे नहीं, कभी भी डिबेट पे सही बात पे नहीं आएंगे, और जब फंस जाएंगे तो कहेंगे मैं आलिम नहीं हूँ। तो मेरे लिए सबसे लकी बात ये थी कि मैं आलिमों के बीच में ही था, इसलिए मुझे उनको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं पहले कुरान का पेज पलट के देखूंगी। बराबर, उनको सब पता था पहले से। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए उनको पूरा समझ में आ रही थी बात। और जो जो सल्फी लोग भी थे वो भी सभी लोग ऐसे ही थे, तो उनको तो बिल्कुल एक ही चीज पता था, उनको तो वो उनको तो बहाना भी नहीं था कि मुझे मैं पहले पहले मैं पलट के पेज देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो उन लोगों ने मुझे यही कहा कि यार देखो जैसे बाकी बाकी जैसे क्रिश्चियनिटी इरिलेवेंट हो गई है, ऐसे ही इस्लाम भी इरिलेवेंट हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ये अपने आप इरिलेवेंट हो जाएगा। ये है नहीं, ये बिल्कुल खोखला रिलीजन है, ये बिल्कुल बिल्कुल मैन मेड है, ये कम्प्लीट मैन मेड है। और जो मेरी स्ट्रीम आज ये देख रहे होंगे, ये सारे जो एक्स सल्फी मुस्लिम लोगों के क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दें वो लोग, वे वो लोग समझते हैं कि ये सही है, इसका जवाब दे दें वो लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम भी फिर से मैं तो साहिल भाई मैं तो कहता हूँ कि इसका जवाब दे दें वो लोग, चाहे वो लोग जाके यूएन में ड्राफ्ट पास करवा दें कि ये लाइफ जीने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम भी मानने को तैयार हैं। जब वर्ल्ड के सारे पहले साबित तो हो जाए, हाँ वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट लोग मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे, हमको कहाँ। लेकिन ये नहीं कि एक मुस्लिम को साइंटिस्ट बोल दिया तो मान जाएंगे, ऐसे नहीं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट बिल्कुल बिना किसी डिबेट के, सारी वर्ल्ड की मेडिकल सोसाइटी, सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, सारे जियोलॉजिकल सोसाइटी आके बिल्कुल ओपन, भैया जब ये बिल्कुल आपका सच है ना पूरा, तो ओपन करो, क्यों कत्ल करते हो आप लोग किसी को, ओपन करो ना सब कुछ। सब साइंटिस्ट का इजमा होना चाहिए उस पे जी। इन लोगों ने जिंदगी खराब कर दी मेरी जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने। सही, तो फिर वो जो इन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी बिल्कुल। मैं तो जबकि मैं ये कहने को तैयार, जबकि मैं ये कह रहा था कि मैं रहूंगा आप इसी मजहब में, उसके बाद भी जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने मेरी। बस ये कि जबरदस्ती उसको मानो कि ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का है, मैं काम नहीं है। मैं कहा कि ठीक है वो कोई होगा फिर, तो मैं मतलब ये जबरदस्ती मुझे मनवा कहते कि नहीं बस यही मानना है और कुछ मानना ही नहीं है, क्या बस दो चीज मानना है तुमको, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का है और क्या बोलते हैं ये आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद है, बस दो चीज मानना है और कुछ नहीं, और चाहे मानो चाहे मत मानो। बराबर, बेसिक जो इस्लाम को कबूल करने की जो दो चीजें है आप उसको पकड़ के चलो, कहे कि और कुछ भी ना मानो, तुम चाहे जो करना हो करो, लेकिन ये चीज तुमको मानना पड़ेगा, ये चीज तुमको दिल से नमाज नहीं पढ़ो चलेगा, रोजे नहीं रखो चलेगा। हाँ हाँ वो सब कहे तो कि मत करो, मत फास्टिंग रखो रमजान में, कोई चक्कर नहीं, लेकिन ये चीज तुमको मानना पड़ेगा। मैं कहा यही चीज तो मैं नहीं मानूंगा, बाकी मैं सब कुछ करूंगा। दिल से कैसे मनवाओगे बताइए, जब इतना जब एकदम बिल्कुल मैं साफ साफ बिल्कुल झूठ देख रहा हूँ सब कुछ, इतना बड़ा बड़ा प्रूफ मैं सामने सामने देख रहा हूँ, अब मैं कैसे मानूं इस चीज को। सही बात, फिर बाकी मैंने एक्स मुस्लिम को देखा कि वो लोग कहे कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग ठीक है हम लोग हैं तो हैं बस, लेकिन हम लोग इसको अभी इसको सीरियसली ना छोड़ दिए हैं। बराबर, तो अच्छा वो फिर जो आपका जो रत्नागिरी का जो दोस्त था उसने क्या किया फिर। हाँ रत्नागिरी के दोस्त ने, वो मेरे ऑफिस में था, वो मेरा जूनियर ही था मेरा, क्योंकि मैं काफी सीनियर था, तो उसने कहा कि ठीक है मैं हम आपके वाइफ लोगों की हेल्प करेंगे। तो वाइफ लोगों ने मुझसे पहले ये कहा था कि ठीक है हम चलेंगे जरूर इंडिया, लेकिन हम भी इस्लाम से बाहर नहीं होंगे, हम इस्लाम में दाखिल ही रहेंगे, हम नहीं बाहर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी यही कह रहे थे मुझसे कि ठीक है आप ना रहो, आपको नहीं समझ में आया तो अब क्योंकि हम तो क्या बोलते हैं हम तो रहेंगे, लेकिन हमारे पास हम चलेंगे आपके साथ क्योंकि हम तो आप तो हमारे महरम हैं तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम नहीं इससे बाहर निकलेंगे, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, चाहे भले ही ये गलत हो। उसने उन्होंने ये कहा सीधे मुझसे कि भले ही गलत हो लेकिन हम इसमें रहेंगे, तो ठीक है ना, यही तो मैं भी उससे कह रहा था, यही उससे मैं भी कह रहा था कि मैं रहूंगा, मैं आपके आपके मजहब में रहूंगा, मैं यही जॉब करूंगा, लेकिन मुझे आप जबरदस्ती ये चीज ना मनवाओ। तो कहे नहीं और कुछ चाहे करो कहना करो, ये मानो बस,
तो मैं बताइए तो फिर मैं फिर इनसे इनसे फिर मैं कंप्लेन करूंगा ना, इन लोगों ने मेरी लाइफ क्यों खराब की। एक चीज का जिसके पास आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कोई प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई जवाब भी नहीं है, जबरदस्ती आप जान जान मारने पे आ जाते हो, क्यों आप अपने बोलो अल्लाह से ना पे वो हमको जान मारे मेरी। सही बात है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद बहुत दुखद स्टोरी है साहिब। उसके बाद मुझे बस नहीं ये हम पता चला कि मुझे तो बच करके आना पड़ा किसी तरीके से। मैं तो इमिडिएटली मैंने बॉम्बे की टिकट ली, क्योंकि हाँ क्योंकि बाकी और जहाँ मेरा होम टाउन है वो वहाँ की मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, तो इमिडिएटली मैंने बॉम्बे की टिकट ली। मैंने वहाँ से निकला मैं, क्योंकि 3.5 आवर्स लगते हैं रियाज से बॉम्बे जाने में, तो मैंने वहाँ की टिकट जल्दी से लेके निकला मैं वहाँ से, क्योंकि वो कह रहा था कि हो सकता है कि आपको कुछ ही दिनों में ये लोग निपटा दे और ये लोग फांसी पर चढ़ने को रेडी हैं। ये लोग आपस बराबर। में वो बात कर रहे हैं कि ये लोग मरने को भी रेडी हैं, ये लोग ठीक है कह रहे कि इतना बड़ा इसने धोखा दिया हम लोगों को। तो जबकि मैं कोई धोखा नहीं दिया था, मैं कोई धोखा नहीं दिया था, मैंने कहा था कि मैं रहूंगा इस्लाम में, मैंने कहा था उनसे, क्योंकि मुझे अपने अपनी वाइफ लोगों से मोहब्बत थी, मुझे मेरे वहाँ बच्चे थे, मुझे सब कुछ था मेरा वहाँ पे, मेरी इतनी बड़ी जॉब थी वहाँ पे, सब कुछ मैं छोड़ बराबर, सब दिया एक सेट चीज था आपका तो उधर। बिल्कुल। और हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे वहां से कनाडा जाएंगे हम लोग मैं वहां पे प्रॉपर्टी अच्छा खरीदने की सोच रहा था जी, मैंने वहां पे प्रॉपर्टी बुक हाँ भी कर हाँ ली थी बराबर, कनाडा में। जी, टोरंटो में मैंने अच्छा प्रॉपर्टी बुक भी कर ली थी वहां से, सब कुछ मैंने कर लिया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं इतना मुझे सब कुछ कर दिया। इनके अल्लाह ने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ कर दिया इन लोगों ने, और कहते हैं कि अल्लाह मेरा अकबर है, अल्लाह पावरफुल है, तो वो करे ना कुछ भी, आप उसको करने आ जाते हो। बराबर, वो अल्लाह को अकबर सजा पता देना है तो नहीं, अल्लाह सजा दे देंगे। हाँ पता नहीं अकबर ये लोग हैं कि अल्लाह अकबर है, मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल। चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर है और अल्लाह सबसे पावरफुल है, तो अल्लाह से बोलो ना, कंप्लेन करो अल्लाह से मेरी। हाँ, कि वो गए भी सजा कोई दे दे। हाँ, और वहां पे तमाम भी मुस्लिम लोग थे, तो वो कहते थे कि पता है तू तेरे पर अजाब आ जाएगा, तू अजाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो मेरा कारी था वो तो कहते अजाब आ जाएगा तू। मैं कहा अजाब का क्या मतलब है, अजाब आ जाएगा। मैं कहा अजाब जहाँ आता है तो वहां तो जो जो एक अल्लाह और जो रसूल पे जो ईमान रखते हैं उन क्या बोलते हैं उनका भी घर गिर जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं सही बात। अर्थक्वेक आता है तो वहां पे जो काफिरों का घर गिरता है, और जो अल्लाह उनके उनके नबी पे जो जो ईमान रखते हैं उन घर बच जाता है उन लोगों का, ऐसा कहीं है क्या, आप मुझे बताइए। सही बात है, अब उसमें भी वो भी कहीं तो जाते हैं साथ में। हाँ, तो जब उस क्योंकि अजाब अजाब का मतलब किसके लिए है, जो अल्लाह उसके नबी पे ना लाए ईमान उसके लिए अजाब है ना। तो मैं तो बाकी इस्लाम को फॉलो करने को रेडी था, बस इसी इसी बात को मैं नहीं मानने को रेडी था। तो कह रहे यही तो बेस है, इसको तो मानो, चाहे बहुत तुम और कुछ ना मानो, मैं इसी को नहीं मानना। तो कह रहे कि इसको नहीं मानो अजाब आए, मैं कहा अजाब आएगा तो फिर आपके घर क्यों गिरते हैं अजाब में। जैसे मान लीजिए कोरोना आया, तो अगर कोरोना और ये अल्लाह का अजाब है, तो बस चून चून करके जितने एक्स मुस्लिम है या जितने काफिर है बस वो मरने चाहिए थे ना। वो तो साथ में जो अल्लाह और उसके नबी पे ईमान रखते हैं वो भी निपट गए साथ हाँ, में। कई मुस्लिम भाई भी हमारे इसमें चले गए। हाँ, वो तो सब 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 निपट गए ना, वो भी साथ में। तो वही अर्थक्वेक आता है, कोई कोई फ्लड आता है, बाढ़ आती है, कुछ भी आता है, तो साथ में तो उनके घर भी चले जाते हैं ना। कि अगर मान लीजिए उनके घर बच जाते तब मैं मानता ये बात कि हाँ ये सही है। सही बात है, दम है आपकी बात में। हाँ, केवल चुन चुन के काफिरों के और एक्स मुस्लिमों के घर गिरते केवल, तो मैं मान लेता कि हाँ सच है, कि बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन नहीं माने वो लोग, मेरी मेरी मेरी, मेरी लाइफ को लोग हेल कर दिए ना, मुझको अलग सब कुछ अलग कर दिए वो लोग मुझसे। और यहाँ तक कि जब मुझे इंडिया आना, मतलब मैं इंडिया आ गया, तो मैं बताऊंगा आपको ये लास्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 3.5 साल पहले मुझे यही पता चला कि मेरी एक वाइफ की शादी करा दी गई फैसलाबाद में, और एक वाइफ मेरी बीमार थी मर गई। बताइए ये हो गया मेरे साथ। अच्छा, यानी आप आने के बाद जो है वो जो प्रोसेस जो चल रहा था कि आप जी, पहले वो नहीं आओगे, आने उसके बाद दिए आप वीजे वहां, वीजे का तो वो हुआ वो क्या था लेकिन? नहीं, कुछ नहीं, उसको घर में कैद कर दिए दोनों को लो। वो अभी क्योंकि या तो मुझको रुकना था, तो मेरे मुझको रुकने के लिए वो बोले थे कि आपकी जान मार देंगे भाई ये लोग। तो जब जो ये बंदा ये तो कहे कि ये लोग तो सुसाइड बम्बर बनते हैं, जब ये लोग सुसाइड बम्बर बन सकते हैं, तो आपको मालूम थोड़ी ना कोई हर जाए लोगों को।
तो फिर मैं तो वहां से निकल गया, क्योंकि सब कुछ सेट होने के बाद इतना पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट सब कुछ छोड़ के मैं चला आया है, बर्बाद कर दिए बिल्कुल ये लोग एकदम अपने अल्लाह और नबी के चक्कर में। क्योंकि तो आपकी मैं बीवी सब कुछ का यानी आपको जो और है, आप जब इधर आ गए थे तो आपने उधर कॉल विल करके पता नहीं लगाया कि आपकी बीवी किधर है, क्योंकि वो तो आने के लिए राजी थी आपकी बीवी। जी, तो कॉल में किसको, मैं एक ड्राइवर था और एक मेरा वो मेरा एक फ्रेंड था, बाकी जो इजिप्शियन लोग थे वो कहे कि इसमें देखिए अब वो तो भाई अब नहीं इन्वॉल्व हो रहे थे ना इसमें, क्योंकि कह रहे थे कि अगर इसमें क्रिमिनल केस बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर, यहाँ का रूल बहुत सख्त है। उसने कहा कि यहाँ का रूल बहुत सख्त है, अगर इसमें पुलिस और कुछ क्राइम हो गया तो फिर अरे बातों बातों में जहां तक करना हो कर सकते हो आप, लेकिन जब क्राइम इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो लोग फिर नहीं कहे कि हम लोग फिर नहीं कुछ कर पाएंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे। और अगर अगर आपको मार भी दिए वो लोग तो फिर हम लोग बस यही कर सकते हैं ना कि उसको भी मौत की सजा मिल जाएगी, लेकिन उससे आप थोड़ी आओगे वापस। उन्होंने कहा कि आपके दो दो बच्चे भी थे ना आपके? जी, वो भी तो नहीं वो किए मेरे बच्चे साथ। भी वो बच्चे भी और जो एक बीवी थी उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि ये बीमार थी और हाँ, एक एक मेरे मेरे जो मेरे ड्राइवर ने बताया कि ये लोग कह रहे हैं कि वो बीमार थी उम्र भी अच्छा, और दूसरी बीवी? जी, और दूसरी को कहे कि बता रहे कि वो उसकी शादी करा दी फैसलाबाद में, पाकिस्तान में एक सिटी है फैसलाबाद, वहाँ पे कहे कि उसकी शादी करा दी, क्योंकि ये हालत करती है लोग मेरी। यानी जो तो आपका इसका जो बसा, आपका जो बसा बसाया जो घर था, आपके बच्चे थे, आपकी बीवियां थी, वो सिर्फ ये कुछ सवाल उठाने की बुनियाद पे आपसे छीन लिए गए। जी सवाल उठाने की बुनियाद पे छीन लिए गए, और मैं इतना रेडी था कि मैं रहूंगा इस्लाम में, लेकिन मुझे ये जी जबरदस्ती ना मनवाओ कि ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का है, मैं नहीं मान सकता इसको, मुझे बिल्कुल एकदम एकदम नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये किसी इंसान का है, लेकिन सिर्फ इसी बात को लेके वो लोग उन्होंने बिल्कुल 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 तबाह कर दिया मुझे। जी तो मैं जी जो हमारे जितने दर्शकों ने एवी जी की कहानी सुनी, उनकी दास्तान सुनी, हालांकि यानी स्टार्टिंग में हम सबको ऐसा लगा कि यार इनको तो यानी सऊदी में वो गए तो इनको जो बीवी यानी जो लड़की पसंद आई उसके साथ शादी भी हो गई, फिर दूसरी शादी भी करा दी गई, बच्चे भी हो गए और ये वेल सेटल थे, तो हम सबको लग रहा था यार कितनी अच्छी इनकी जिंदगी गुजर रही है जब हम स्टार्टिंग में सुन रहे थे। लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते जब पता चला कि जो इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, फिर किसी ने इनको कुछ सवाल दिए, वो जाके पूछते गए, फिर एक जो आखिरी कुछ बातें थी जो इनके दिल में एकदम बैठ गई कि वो सुन के इनको लगा कि नहीं अब तो पॉसिबल ही नहीं है इसको सही मानना, अब वो जब बताया उन्होंने, और उनके जो साले साहब थे वो काफी इस्लामिक थे, पाकिस्तानी थे, तो उनको बात हजम नहीं हुई इनका ये कहना, और वो प्लानिंग करने लगे कि इस इंसान ने तो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, बर्बाद कर दी है, फिर इनको फोर्स करने लगे कि नहीं आपको तो मानना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इनके दिल में ये बैठ गई थी कि ये सही नहीं हो सकता तो इन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इन्होंने इस्लाम को छोड़ने का इनकार नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं सब चीज करने के लिए रेडी हूं, मैं नमाज भी पढ़ लूंगा, मैं रोजे भी रख लूंगा, मैं सब, मैं मुसलमान ही रहूंगा, लेकिन आप मुझसे ये मत मनवाओ कि ये जो इस्लाम है वो किसी क्रिएटर के थ्रू से आया है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला, इन्होंने इस्लाम छोड़ने की बात ही नहीं की थी। लेकिन बिल्कुल होती थी मैंने, इसके बावजूद जो इनकी जो एक बसी बसाई फैमिली थी, और अच्छा ये तो फिर वहां से तो चलो भाई आप जो है उनके सामने रहते और आपको देख देख के उनकी बहन को वो देख के एक फीलिंग आती कि यार ये हमारे सामने ही इसने इस्लाम को छोड़ के रह रहा है या नहीं मान रहा है, तो समझ में आता, ये तो वहां से हटने की इनकी तमन्ना थी, वहां से चले जाते, उनकी उनकी जो बीवियां थी उनको सेटल करने की इनकी तमन्ना थी, उनके सामने भी नहीं रहते, लेकिन उन्होंने इतना मैं भी साहिब नहीं भाई सोचा कि बीच में साहिब भाई काफी झगड़े हो रहे थे, तो मैं थोड़ा सा वहां से शिफ्ट कर गया था, रियाद में दूसरी जगह शिफ्ट कर गया था मैं, बीच में अच्छा झगड़े वहां पे काफी। हाँ, तो वो अब वो तो वो उसका कोई मतलब नहीं है बताने का यहाँ पे, क्योंकि तो घर के जी सामने था जी तो वो रोज आ जाते थे वो लोग, तो मैं अपनी जी फर्स्ट वाइफ को लेकर के मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर गया किसी, रियाद सिटी में ही था मैं, लेकिन वहां से थोड़ी थोड़ी दूर,
मैं थोड़ा दूरी पे शिफ्ट हो गया मैं। हाँ शायद वहां से उन्होंने आपकी बीवी को आपकी हाँ वो अच्छा, फिर वहां से उसको लेकर के आए। वो कहे कि नहीं नहीं वहां नहीं रहेगी, वो कहे कि वो सेकंड को मैंने यही रखा था और फर्स्ट को मैं वहां तो शॉर्ट लेके गया, तो वो कहे कि नहीं वहां नहीं रहेगी यही आएगी। तो जब मैं ऑफिस में तो जाकर के उसको लोग वहां से लेकर के आ गए। जी मैं लोगों से मैं व्यूअर्स से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही तरीका है कि कोई आपके मजहब को नहीं माने तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या वो जो उनको मानना है उसको लेके वो लोग सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकते? इतना जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, हाँ नहीं ठीक है, जो आप एक चीज जो वो जो मेन अकीदे की चीज थी वो आप नहीं भी मान रहे, और आप एक इंडिविजुअल का इख्तियार है। देखिए मेरे हिसाब से जहां तक मेरा व्यू है, मैं बता दूं व्यूअर्स को साहिल भाई कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी नबी मानने को तैयार था। मैं ये भी कह रहा था कि ठीक है नबी होंगे उनकी ठीक है, लेकिन बस मुझे क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का मत कहो। जी जी तो मैं देखिए साफ गैलेक्सी बनाने वाले का ये बुक कभी हो नहीं सकता कभी। बस मेरा यही क्यों है वहां पे। हाँ नहीं मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, यानी मेरा एक बिलीफ ये है, मैं इस तरीके से मानता हूँ कि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल चीज है। आप कोई भी रिलीजन को मारो, या आपका इंडिविजुअल आप क्या इख्तियार है क्या आपको इस्लाम को फॉलो करना है आप उसको फॉलो करो, अगर आपको हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी, ये हर किसी का पर्सनल बिलीफ है। तो लेकिन एक इंसान को ये आजादी है ना कि उसको जो रिलीजन को मानना है वो उसको माने, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि कोई अगर इस्लाम को नहीं मान रहा है तो उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का फ्रीडम है? अब इनकी जो है वो बीवियां थी, बच्चे दो दो बच्चे छोटे, उनको भी छीन लिया, बीवी भी चली गई, जो ये सेटल थे वहां वो सब चला गया इनकी, यानी पूरी जिंदगी जो थी वो पूरी बर्बाद हो गई। तो अगर ये जो हमारे मुस्लिम व्यूअर्स है, अगर आपके साथ ऐसा कोई करे, किसी दूसरे रिलीजन को आपके ऊपर थोपे और आप अगर उसको नहीं मानो तो आपकी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद कर दे, तो आपको कैसे लगेगा ये? साहिल भाई मैं मानना था रिलीजन को, बस केवल मेरा एक ही ऑब्जेक्शन था। मैं कहा था कि ये रिलीजन हमारे नबी का हो सकता है, मैं कहा था उनसे ठीक है नबी का रिलीजन होगा ये। मैंने कहा था प्रॉफिट मोहम्मद का ये रिलीजन है, मैं मान रहा हूँ। वो कहा था कि नहीं क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का मानो इसको। जी जी अच्छा आप जी तो इसके बाद फिर आपने अब आपका जो है वो बीवी छूट गई, आपको पता लगा कि एक एक बीवी का जो है इंतकाल हो गया, डेथ हो गई है, दूसरी बीवी की शादी हो गई है, बच्चे आपके चले गए, आपकी जिंदगी तो पूरी यानी दुखद। इतनी हेल्दी लड़की की डेथ कैसे हो गई मुझे बताइए आप। ये सही बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो उनको भेजना नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने ये बहाना बना दिया। अच्छा अब आप क्या मानते हो एवी साहब, अब आप यानी बिलीफ को लेके आपका क्या राय है आपकी, यानी आप क्या चीज को मानते हो? मेरा बस ये मेरा है कहना कि मैंने इतना जो मैंने सेल्फी लोगों से क्वेश्चन सुने हैं, जो मैंने सब कुछ देखा है, और अगर ये बिल्कुल सच्चा मजहब है तो या तो इसको लोग ओपन करें, बिल्कुल सब बिल्कुल टेस्ट करने दें सबको ये लोग, और यूएन के पास जाएं तो हम फिर से पढ़ने को तैयार हैं कलमा, नहीं तो मैं ये कहूंगा कि ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का मजहब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि कोई अल्लाह हो सकता है साहिल भाई कि कोई अल्लाह हो, उन्हें बनाया हो, क्या किया हो मुझे नहीं, अभी मुझे सब नहीं पता, लेकिन ये जो दीन इस्लाम है ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं 1000% में श्योर हूँ इसमें, ठीक है मैं 1000% श्योर हूँ कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का। आपको पता है कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना उसका डायमीटर 1,00,000 light years है, आपको पता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो इसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है वो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल हमारा सोलर सिस्टम नहीं दिखता है। अर्थ की तो छोड़िए बात, अर्थ तो कुछ कोई अर्थ की तो कोई औकात ही नहीं है मिल्की वे में, और हमारी जो मिल्की वे है वो भी बहुत ही बहुत मीडियम मिल्की वे है। जो हमारे पास की मिल्की वे है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की जो डिस्टेंस है हमारे मिल्की वे से वो 25,00,000 light years है, यानी कि लाइट को वहां से ट्रेवल करने में 25,00,000 साल लगेंगे। आप समझ रहे हैं कि आपका क्या क्लेम है, मुसलमान लोग समझ रहे हैं कि क्या क्लेम है इनका, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं वो लोग।
उनको पता है क्या बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारे बनाने वाले की बुक है ये। सही, इनका पहले क्लेम तो देखिए आप, आप अगर ये इतना बड़ा क्लेम है तो इसको ओपन करें आप इसको, इसको ओपन अच्छा, करें मैं अभी इसको लेकर जाएं, उसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाएं इसको, ये लोग कि कहें इसको जाके सारे साइंटिस्ट इसको साइंटिस्ट लोग चेक करें इसको, क्यों बस कुछ जाकिर नायक बस कोई इन लोग बस को साइंटिस्ट हैं केवल, और एक वो क्या बोलते हैं मॉरिस बुकाई बस इनके साइंटिस्ट हैं, दो तीन साइंटिस्ट रहेंगे बस को, यही दो तीन साइंटिस्ट हैं, इनको पता नहीं है कि जो चीज साइंटिफिकली जो चीज प्रूव होती है साहिल भाई, वो जब कोई सब साइंटिस्ट उस पे जी, जब कोई एक साइंटिस्ट जब कोई दावा करता है किसी चीज का तो उसके वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट उसको चेक करते हैं। सही बात है, और उससे अग्री भी करते हैं ना, और डिसएग्री करते हैं तो फिर वो वजह भी बताते हैं। हाँ, अगर अगर कोई मेडिकल अगर कोई मेडिकल साइंस है उसको अगर एक डॉक्टर मानता है तो उसको दुनिया के सारे डॉक्टर मानते हैं उसको, ऐसा थोड़ी ना कि बस एक डॉक्टर मान लिया और बाकी लोग नहीं माने, डॉक्टर जाकिर नायक बस नहीं मान रहे और सब लोग मान रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सही, आप WHO से अप्रूव करवा दीजिए कि ये बुक है, यूनिवर्स ऑफ प्लेटर की बुक है ये, अब करवाइए अप्रूव ना उनसे, ये तो बात मुझको सल्फी लोगों ने बताया था कि आप उनको उनको इनको कहिए कि लेके जाएं ये लोग यूनाइटेड नेशन की जगह, जिस तरह से आपके मुल्क से योगा और मेडिटेशन गया था उसको चेक किया गया तो उसके हेल्थ में रियलिटी में सबको सबको बेनिफिट हुआ, तो ऐसे जाएंगे लोग ना, क्यों बैठे जब जाएंगे साहिल भाई तो सारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं जितने जियोलॉजिस्ट हैं सब आके चेक करेंगे मक्का को मदीना को सब चेक करेंगे आकर के। सही बात है, हर एक चीज को खंगाल के देखेंगे वो लोग, बिल्कुल उसको एक एक चीज जो जो लोग दावा करेंगे उस पर हर चीज का क्रॉस चेक होगा, उस पर इनके एक एक दावे पे क्रॉस चेक किया जाएगा, और तब अगर इनका दावा सच निकला तो कहा जाएगा कि ठीक है ये बुक जो है पूरे इंसानियत के लिए लाइफ जीने का तरीका है, बेस्ट तरीका है, जाके जो पास करा रहे हैं क्यों लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं हम लोग ये लोग। जी अच्छा, AAVG ये फारूक भाई जो है हमारे, वो कह रहे हैं RSS के वर्कर झूठी स्टोरी कई लानती। फारूक भाई मैं सिर्फ आपसे इतना पूछता हूँ कि यार RSS मैं हिंदू नहीं हूँ यार, कौन है ये, कौन पागल है ये? हाँ ठीक है, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओपनली कर रहा हूँ, आई एम नॉट हिंदू, मैं ओपनली कह रहा हूँ यहाँ पे, ये कौन है ये पागल, मुझे क्या मतलब RSS और BJP से। सही, मैं फारूक भाई से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, फारूक भाई मैं एक आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है, आपके घर पे आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी बीवी है, ठीक है, ऐसा अगर आपकी बीवी ने इस्लाम को छोड़ दिया तो क्या वो आपके निकाह में रहेगी या नहीं रहेगी? जवाब मांगिए इनसे फारूक, वो जो मेरे क्वेश्चन है जी, नहीं अगर वो मैंने कभी, मैं ओपनली कह रहा हूँ आपसे साहिब भाई कि मैंने कभी BJP को वोट नहीं किया है, मुझे क्या मतलब BJP से, मुझे क्या मतलब, यहाँ BJP और RSS की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ इन्होंने अपनी बात बताई है और बिल्कुल सही बात है कि एक फैमिली में, मैं आपके लाइव स्ट्रीम ओपनली कह रहा हूँ कि मैं कभी BJP को वोट नहीं करता हूँ। सही, अच्छा AAVG ये हमारे देवराज जी है, इन्होंने 100 rupees का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट देवराज जी। ये पूछ रहे हैं कि साहिल भाई वेयर आर हिज चिल्ड्रन नाउ, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स व्हेन ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, हैव हिज हिंदू फैमिली एक्सेप्टेड हिज एथिज्म नाउ? इसका आप जवाब दीजिए। मैंने बताया था ना, अच्छा एक बार बता दीजिए कि आपके बच्चे अभी किधर है, पाकिस्तान में है ना? मुझे नहीं पता, अच्छा नहीं पता कि एक जी मुझे मेरा दामन क्या बोलते हैं वो कर दिया, मेरा बर्बाद कर दिया, अब ये पता नहीं कौन आके बोला RSS का, शर्म नहीं आ रही इनको बिल्कुल। ठीक है, उनकी बात बिल्कुल गलत थी, मुझे क्या मतलब, अच्छा मुझे क्या मतलब हिंदुओं से। जी 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 देवराज जी, उनके बच्चों के बारे में उनको अभी डिटेल्स पता नहीं है, उनको बस इतना पता चला था किसी से कि उनकी जो एक वाइफ है उसकी उनकी डेथ हो चुकी है, वो बीमार हो गई थी इनके जाने के बाद, जो कि मुझे लग रहा है कि ये फेक स्टोरी होगी, और जो दूसरी इनकी बीवी थी जो बाद में आने वाली थी उसको पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है और वहां किसी के साथ उनकी शादी हो गई है, बस इतना ही इनको लास्ट पता है अपनी फैमिली के बारे में, आगे नहीं पता है। अच्छा, इनका जो दूसरा सवाल है AAV साहब, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स व्हेन ही कन्वर्टेड, आपके आपके जो घर वालों को जब ये पता चला, माँ बाप को, कि आपने इस्लाम कबूल किया, तो उनका रिएक्शन क्या था?
वो पता है आपको ना, देखिए जब यहाँ पे मतलब जब आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कंपनी की, तो आपसे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। मैं उनसे बस ये कह दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, आप उनको जो चाहिए मैं सब अच्छा दूंगा यहाँ, और सब कुछ मैं यहाँ पे उनको उनको दे भी रहा था जो भी उनको चाहिए था, जी, जो भी तो उनकी रिक्वायरमेंट था। इसी में आपका जो दूसरा जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाता है, क्योंकि ये यानी फिनेंशियली ये वेल सेटल्ड थे और ये घर की जितनी जरूरतें थी वो ये पूरी करते थे, तो इतना इन पे यानी वो कुछ एक ऐसा बोझ नहीं था या कुछ ऐसा दबाव नहीं था कि आप इसको छोड़ रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, मतलब वो सुने उनके लिए ठीक था, वो कुछ उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करे। तो आज अगर ये वो जो एथियस भी फारूक आया है। था उसने मुझे बहुत पेन किया सर, उसको बताइए कि मैं अभी भी हिंदू नहीं हूँ, उसको बताइए, उसको मैं अभी भी हिंदू नहीं हूँ, मैं हाँ, तो तो आज के डेट में हमारे मैं एथिस्ट हूँ, मैं आज के डेट में मैं नहीं हूँ हिंदू। जी फारूक भाई, आपको शायद जवाब मिल गया होगा। तो ओपनली कह बाकी रहा जो हूँ, क्योंकि व्यूवर्स कितने है लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, कितने लोग सुन रहे होंगे, तो मैं ओपनली कह रहा हूँ इस बात को। जी 440, 442, अब 439 लोग तो लाइव देख रहे हैं, उन वो लोगों सब सुन ने रहे हैं। बर्बाद कर दिया मुझे, और कह रहे कि मैं आरएसएस का मैं जी हूँ, जवाब तो एक अच्छा, भी दे, जवाब कोई नहीं का और आरएसएस का है, तो क्या क्या दिक्कत है। जी नहीं, इल्जाम लगाना तो आसान होता है ना, कुछ भी बोल देना तो आसान है, उसको साबित करना मुश्किल हो जाता है। बताइए, मैं खुल कोई के पहले व्यूवर्स मैंने कह को रहा हूँ कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं एथिस्ट हूँ, मुझे मुझे ये भी मुझको यकीन है कि हो सकता है कि कोई अल्लाह होगा, मैं कह रहा हूँ कि होता ना कोई, बस ये उसकी किताब नहीं है ये, बस मैं ये कह रहा हूँ, ये दीन इस्लाम उसका नहीं है, बस मेरा ये कहना है सर, हो सकता है कि कोई अल्लाह होगा, जी